लखनऊ के ठाकुरगंज कोतवाली से गैंगस्टर में वांछित चल रहे अपराधी फिरोज उर्फ शमी को मुंबई से गिरफ्तार कर ला रही पुलिस की गाड़ी मध्य प्रदेश के गुना में पलट गई। इस हादसे में फिरोज की मौत हो गई, जबकि रिंग रोड चौकी प्रभारी जगदीश पांडे सिपाही समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस कमिश्नर ने बदमाश और घायलों के परिवार के साथ पुलिस की एक टीम गुना भेज दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधवार को इंदौर प्रवास के दौरान वापसी में उन्हें डिनर टिफिन में ठंडा खाना देने के मामले में निलंबित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दूसरे दिन ही बहाल कर दिया। मुख्यमंत्री को जब स्वामी के निलंबन का कारण पता चला तो उन्होंने अधिकारियों को बहाली के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, भोजन में ठंडी रोटियां उपलब्ध करवाना किसी अधिकारी के निलंबन का उचित कारण नहीं लगता है। शारजा स्टेडियम में रविवार को खेले गए आईपीएल 2020 के नवे मैच में कल राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल ने 106 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन तेवतिया के बल्ले से एक ओवर में लगे 5 छक्कों ने मयंक की पारी पर पानी फेर दिया। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज आखिरकार जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे के पिछले कई दिनों से जेडीयू में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं सियासी गलियारों में ये भी चर्चा थी कि वे बीजेपी में भी जा सकते हैं, लेकिन आज जब उन्होंने विधिवत जेडीयू की सदस्यता ली तो सारे कयासों को विराम लग गया। इंडिया गेट पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया है। आज तक जनता ने आंदोलन देखे, लेकिन ट्रैक्टर लाकर इंडिया गेट के पास जलाना कांग्रेस का नाटक है। भाजपा इसकी निंदा करती है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, वो निंदनीय है। साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म अंकुश के लिए कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना जैसा बेहद लोकप्रिय प्रार्थना गीत लिखने वाले गीतकार और लेखक अभिलाष का मुंबई में रविवार को निधन हो गया। 74 वर्षीय अभिलाष पेट से जुड़ी बीमारी से पीड़ित थे। आज सुबह 4 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपने लुक को लेकर पारस छाबड़ा ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। इस अतरंगी लुक के चलते लोगों ने पारस छाबड़ा की तुलना रणवीर सिंह से करना शुरू कर दी। फोटो का कमेंट सेक्शन ऐसे कई कमेंट से भरा हुआ है, जहां लोग उन्हें सस्ता रणवीर सिंह कहकर बुला रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने उनके इस लुक की तारीफ भी की है, लेकिन ज्यादातर लोगों को उनका यह अतरंगी लुक कुछ जमा नहीं। बेटी दिवस के मौके पर दिवंगत अभिनेता इरफान खान की पत्नी सुतापा सिकंदर ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, मैं और इरफान चाहते थे कि हमें बेटी हो, इसलिए जब दूसरी बार भी बेटा हुआ तो डॉक्टर ने बोला ही नहीं कि बेटा हुआ है। उन्होंने बस इतना कहा कि बधाई हो, बेबी स्वस्थ है। बाद में मैं बहुत निराश हुई क्योंकि हमें बेटी चाहिए थी। मुझे दुख होता है कि इरफान को बेटी देने की ख्वाहिश पूरी ना कर सकी। उनका मानना था कि लड़की को सिर्फ आज़ादी देना काफ़ी नहीं। बिग बॉस से हिमांशी खुराना कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। हिमांशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके जानकारी दी है। हिमांशी हाल ही में किसानों की रैली में शामिल हुई थी, उसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया तो वह पॉजिटिव आई है। हिमांशी ने अपने संपर्क में आए लोगों से अपना टेस्ट करवाने की सलाह दी है। सोशल मीडिया में कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही है। इन तस्वीरों पर कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस को खूब ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने वालों का आरोप है कि टेरेंस एक्ट्रेस नूरा फतेही को गलत तरीके से छू रहे थे। पूरा मामला सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के एक एपिसोड का है।